अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज में मैं हूँ आपके साथ आयशा जुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। कराची के इलाके PECS सोसाइटी में बिजली की अदम फ्राहमी पर एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने KESC के दफ्तर को आग लगा दी। PIA की इस्लामाबाद से मुल्तान आने वाली परवाज के लैंडिंग गियर न खुलने पर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी काफी देर फजा में गुजारने के बाद बहिफाजत लैंड कर गया। विफाकी काबीना का वजीर आजम की क्यादत पर एतमाद का इजहार। कल वुज़रा यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ अदालत जाएंगे। इत्तेहादियों का इजलास आज तलब। कमर ज़मान कायदा कहते हैं कि कल हर किस्म के फैसले के लिए तैयार है। लाहौर रेलवे स्टेशन बम धमाका। दहशतगर्द ने धमाका केस मवाद सामान में छुपा रखा था। CCTV कैमरे खराब होने से तहकीकात में मुश्किल। इंतजामिया को होश न आया। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर लगे खुफिया कैमरे बंद। वजीर दाखिला सिंध मंजूर वसा ने कराची में बदमनी के वाकयात में तीसरी कुवत के मुलविस होने का इशारा दे दिया। लाहौर में अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के सामने नहर से बोरी बंद लाश बरामद। भारत की मईशत खराब होने लगी। S&P ने रेटिंग कम कर दी। और सोने की कीमत में 200 रुपए इजाफा। फी तोला 56,750 रुपए का हो गया।